हाय गाइस, मैं हूं अंजलि और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां पे मैं आपसे शेयर करती हूं लाइफ से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियोस। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंजलिबिष्टसामंत। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैं मेकअप करूंगी बहुत ही बेसिक मेकअप प्रोडक्ट से। यस, मैं यूज करूंगी सिर्फ लिपस्टिक, काजल एंड सीसी क्रीम। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं तो भी आप घर में अवेलेबल इन बेसिक मेकअप प्रोडक्ट से एक परफेक्ट करवा चौथ मेकअप कर सकते हैं। और मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे ये रेड कलर की साड़ी, इसलिए मैं अपना मेकअप भी इसी के अकॉर्डिंग करूंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस पे लगाऊंगी ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये नेचुरल होता है और ये एक बहुत अच्छा प्राइमर का काम भी करता है। मैं अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में भी एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, और इसको मैं मेकअप करने से पहले अपने पूरे फेस पे, नेक पे और एयर पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूंगी। एलोवेरा जेल लगाने के बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी क्रीम। ये बहुत ही माइल्ड और सेफ है आपकी स्किन के लिए। आप इसकी जगह पे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि मेकअप के जो भी हार्मफुल केमिकल हैं वो आपकी स्किन को डैमेज और रफ ना बनाएं। और इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे की ये सीसी क्रीम। मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं सिर्फ ये सीसी क्रीम से ही अपना मेकअप बेस रेडी कर रही हूँ। और क्योंकि ये करवा चौथ मेकअप है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की है, क्योंकि ये नॉर्मल डेली मेकअप से थोड़ा सा डार्क मेकअप होगा। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स मैंने अपने पूरे फेस पे अपनी फिंगर टिप से अप्लाई कर लिए हैं। और उसके बाद इस तरह से अपने हाथों से इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है गाइस, सो दैट कि आपका जो भी सीसी क्रीम है या अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से आपके पूरे फेस पे ब्लेंड हो जाए और इक्वली लुक आए आपके फेस पे। तो गाइस सीसी क्रीम अच्छी से लग गई है मेरे फेस पे, और अब मैं कॉम्पैक्ट की जगह यूज कर रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन का ये बेबी पाउडर। ये भी बहुत ही माइल्ड और सेफ होता है स्किन के लिए। कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर यूज करने से जो भी आपका मेकअप का बेस है, फाउंडेशन या सीसी क्रीम, उसको एक मैटी लुक और एक अच्छा फिनिश मिलता है, इसलिए पाउडर यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा बेस हो गया है गाइस, और मेकअप करने के लिए बिल्कुल रेडी है मेरा फेस। और एक अच्छे मेकअप के लिए एक अच्छा बेस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। जैसे मैंने कहा कि आज के इस मेकअप में मैं सिर्फ 3 मेन मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आई शेडो की जगह पे यूज करूंगी ये लिपस्टिक। तो आपको इस तरह से लेके अपनी फिंगर टिप पे अपने आईज के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है, और फिर बहुत जरूरी है उसको अच्छे से ब्लेंड करना। तो मेरा आई शेडो हो गया है गाइस, अब मैं यूज करूंगी आईलाइनर। और आईलाइनर के लिए भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 18 का ये काजल। तो आईलाइनर लगाते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में काजल लगाना है, आईलाइनर लगाना है, उससे जो भी आपका आईलाइनर है वो अच्छी तरीके से लगता है। और इसी तरह मैं अपनी दूसरी आई पे भी लगा लूंगी। और ये मेरा आईलाइनर हो गया है गाइस, अब मैं इसी काजल से अपने आंखों के नीचे साइड भी अच्छे से फिल कर लूंगी।
तो आई लाइनर हो गया है गाइस, अब हम कर लेंगे अपनी आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। तो जब भी आप मेकअप करें अपनी आईब्रोज को सेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईब्रो फिल करने के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों आईज में। सो गाइस यहाँ पे मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक ब्लशर की जगह पे। तो आपको इस तरह से लिपस्टिक अपने फिंगर पे लेके अपने चीक्स पे दोनों साइड में लगानी है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाइए क्योंकि लिपस्टिक थोड़ी डार्क होती है, और फिर उसको आपको अपने फिंगर से इस तरह से ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लशर की जगह पे लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो ये ध्यान रखिए कि उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ पे लिपस्टिक का स्पॉट से लगेंगे जो कि आपके मेकअप में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करिए। और ये मेरा ब्लशर भी अच्छी तरीके से लग गया है और ब्लेंड हो गया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब कर लेते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे एक लिप लाइनर से आउटलाइनिंग बना रही हूँ लिप्स की। और उसके बाद मैं यूज करूंगी अपनी साड़ी की मैचिंग की ये रेड लिपस्टिक। तो यस, करवा चौथ का मेकअप अधूरा है बिंदी के बिना। तो यस, बिंदी भी लगा ली मैंने। तो ये देखिए गाइस, मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, वेरी सिंपल बट ब्यूटीफुल मेकअप। और मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ करवा चौथ के दिन, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड साड़ी है विद गोल्डन एंड ब्लैक बॉर्डर। तो आप मेरा करवा चौथ का पूरा लुक देख सकते हैं मेरे करवा चौथ के व्लॉग में, तो वो आप प्लीज जरूर देखिएगा गाइस। तो अपना करवा चौथ का व्लॉग मैं अपलोड करूंगी आफ्टर करवा चौथ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ गाइस, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी स्टाइलिश एंड यस बी यू। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, बाय बाय।